हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज। जी हां गाइस, तो आज हमारा 48th डे एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने बाकी के चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। एंड साथ ही साथ गाइस, वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन ई-कॉमर्स वाला को जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिएक्ट जेएस का हिस्ट्री अगर आपको जानना हो कि कैसे फेसबुक में ये क्रिएट हुआ था, कितने लोगों के पीछे इसका हाथ है एंड ऑल, तो गाइस उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ रिएक्ट जेएस वाज क्रिएटेड, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वंस अगेन गाइस, आज अगेन एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर ही होने वाला है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन इन 20 मिनट्स है इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा क्वेश्चन वो है, वी नीड टू वैलिडेट द हेक्स कलर कोड। हेक्साडेसिमल का जो कलर कोड होता है उसको हमें वैलिडेट करना है कि ये वैलिड है या नहीं। एंड आई होप कि आपको मालूम है कि ये हेक्स कलर कोड किसे कहते हैं। लाइक आप देख सकते हो, इससे हम हेक्स कलर कोड कहते हैं, वी हैव आरजीबी एचएसएल, डिफरेंट तरीके के कोड हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली रेड ग्रीन ब्लू भी लिख सकते थे, है ना। सो या सिंपल है, देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तो हेक्स कलर कोड जो ऑलवेज स्टार्ट होता है विद दिस हैशटैग सिंबल, एंड देन इट शुड बी फॉलोड बाय इधर 3 or 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। अभी जो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होते हैं, इतना आपको मेक श्योर करना कि फ्रॉम 0 to 9 आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसके बाद जो 10, 11, 12 होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन 16 आपको उसके बदले फ्रॉम ए टू एफ, ए से लेके एफ तक लिखना रहता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से आपका ये रहता है, ठीक है। तो आपको गाइस कुछ इस तरीके से समझना है। एंड हम 16 इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ये। चलो आई होप आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा, 0 से लेके 9 और ए से लेके आपके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर ये 3 डिजिट होना चाहिए या तो 6 डिजिट का होना चाहिए, एंड स्टार्टिंग में आपका हैशटैग होना चाहिए। सो गाइस, मैं चाहूंगा कि अभी कभी आप कीजिए वीडियो को पॉज एंड ट्राई इट योरसेल्फ, एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये रख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड एक और एग्जाम्पल इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक, इसके नीचे। एंड इसी को ही कॉपी करके एक और यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन एक वो इस तरीके से होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि सबसे पहले तो मुझे इधर 3 या तो 6, ठीक है, इधर 3 या तो 6। सो वी हैव दिस कैरेक्टर क्लास, आप देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरा होना चाहिए कैपिटल ए से कैपिटल एफ, या तो स्मॉल ए से स्मॉल एफ। क्यों मैंने जेड तक नहीं ली, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड ये सब चाहिए नहीं, हेक्स कलर कोड में ये नहीं आते कभी भी, वो सिर्फ ए से लेके एफ तक आता है। एंड डिजिट हमारा 0 से लेके 9 तक, सिंपल। ये मुझे कितने चाहिए, ये मुझे चाहिए होंगे 6 या 3, लेट्स गो विथ 3। एंड अब इतना अगर मैं करता तो आप देख सकते हो कि गाइस ये जो है इतना हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे, ये एंड देन ये हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर दे रहा हूँ, सो नाउ इट्स एन और ऑपरेटर आपको आई होप मालूम है, वी हैव एंड ऑपरेटर, वी हैव और ऑपरेटर, और मीन्स इधर ये या ये दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो हमें आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे सेम इसी को ही मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बट नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ 3 आई विल गो विथ 6। तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो गाइस ये देखो, ये एक 7 जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे यहाँ पे ये जो 5 है ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये इनवैलिड है बाकी के 2 से, इधर 3 या तो 6 बस इतने ही चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज्यादा, और ये ही होने चाहिए। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, जैसे डिजिट को हम गाइस डी से दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इसको हम वर्ड्स के थ्रू भी दिखा सकते थे, लेकिन फिर उसमें मुश्किल आ जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से करके डी कर दीजिए, ठीक है, ये भी आपका काम करेगा। ऑलराइट, तो अब आपको इसको कॉपी करनी होगी, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। सो इट्स अ कॉन्स्ट, जूम कर देता हूँ, वी हैव अ वैलिडेट हेक्स कलर कोड, ठीक है, एंड यहाँ पे हेक्स कलर कर देता हूँ मैं, एंड डायरेक्टली मैं रिटर्न लिख देता हूँ इस तरीके से ये, एंड वी हैव अ टेस्ट वाला मेथड, अभी तक हम जिस पिछली वीडियो में तो देख ही रहे, एंड ये जो हेक्स कलर है वो मैं पास कर देता हूँ। लेट्स रन, एंड ओ माई गॉड, सभी के सभी ट्रू, क्यों, ओ माई गॉड। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ठीक है, एंड आई नो आप समझ चुके हैं, आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे ये हाइफन आना चाहिए, ठीक है, ये हाइफन आना चाहिए। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हाइफन के साथ साथ यहाँ पे वी हैव दिस हैशटैग ना, हैशटैग भी तो है, तो इसको हटाओ, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको ऐसे करो,
एंड अब यहाँ पे हम चलते हैं एंड देन हैशटैग लगा देते हैं। लेट चेक इट आउट क्या होता है। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो मुझे अब स्टार्टिंग के 3 ट्रू और एटलीस्ट 2 मुझे फॉल्स आ रहे हैं। ये एक मुझे फॉल्स आया क्योंकि इसमें हैशटैग नहीं है, और दूसरा ये मुझे फॉल्स आया क्यों, क्योंकि इसमें ये जो जी है, जी कभी आता नहीं है। बट फिर भी ये जो पर्टिकुलर वाला जो एक चीज है, इसमें तो टोटल 7 कैरेक्टर है या 7 डिजिट है, ये ट्रू कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो हमने ये जो तरीका अपनाया ना, ये आपका कैप्चरिंग ग्रुप कुछ कहलाता है ये, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरीके से कर रहे हो यहाँ पे, नाउ दिस इज योर कैप्चरिंग ग्रुप है ना, एंड आपने यहाँ पे हैशटैग भी लगा दिया है, जो कि चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल कैरेट एंड यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल ये डॉलर, जिससे बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग कोड है, ये आपका एंडिंग कोड है। सो द मोमेंट आप ये स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग ऐड करते हो, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहे ना, ये सिलेक्ट हो रहे, समझ रहे हो? तो ये आपका बताता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मेरा एंडिंग पॉइंट ये है, इसके आगे ना कुछ, इसके पीछे ना कुछ। वरना पहले क्या हो रहा था, अगर ये मैं ऐड नहीं करता, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो सभी के सभी हाईलाइट हो गए, बट द मोमेंट मैंने डॉलर यूज की अब ये सब हाईलाइट नहीं हुए। तो मैं कॉपी कर रहा हूं, ये मैंने पेस्ट कर दी। सो गाइस अब अगर इसको मैं रन करूंगा, एक सेकंड इसको क्लीन करता हूं, एंड या बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एंड ये मेरा काम हो गया। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद होगा, आपको अब बहुत इजी लगने लगा होगा, या लग भी रहा होगा यार इंटरमीडिएट में इतना इजी इजी बता रहा है, बट इन रियलिटी इजी क्यों लगा मैं, क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करो जरा इसको, कैसे करोगे मुझे बताना कमेंट करके, प्योर वैनिला जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तब देखना कैसा होता है, ठीक है। बट हमने रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा समझा, तभी अब हमें धीरे धीरे ये सब इजी लगने लग रहा है। एंड आप देख सकते हो पावर, वाओ यार रेगुलर एक्सप्रेशन तो कसम से सच में कितनी इजीली कोई भी वैलिडेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। तो फिर से बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक बाकी के प्लेलिस्ट वाले वीडियो चेकआउट नहीं किए तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये रिएक्ट कैसे हुआ था जरूर चेकआउट कीजिए, एंड ये रेगुलर एक्सप्रेशन इन 20 मिनट्स इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड बहुत जल्द आप रिएक्ट सीरीज आने वाला है, एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो कैसे ऐसे ऑसम वीडियोस का आप मिस ना करो, इसलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।